दो ग्रंथों के नाम बहुत प्रचलित हुए, एक तो समय सार का और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। एक प्रवचन सार नियम सार तो पिछले कुछ सालों से ही बहुत हाईलाइट हो गए। लेकिन प्रवचन सार नियम सार भी कुंद कुंद आचार्य देव की ही रचनाएं हैं, उन्हीं की मूल गाथाएं हैं। प्रवचन सार ग्रंथ उसके जो टीकाकार हैं वे अमृतचंद्र आचार्य देव भी हैं और जैसा आचार्य देव ने भी इसकी टीका की है। आप अगर इधर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। आज जिनेन्द्र भैया आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ यहाँ पर। क्या इधर थोड़ा माइक मेरा वो नहीं, आप सब आइए। कमलेश जी आइएगा, कृपा करके आइए भैया, आ जाओ आगे आ जाओ। समय सार का जो विषय है वह है शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा का जो निरूपण किया उसकी दृष्टि कराने के लिए, वह मैं हूं उसकी दृष्टि कर, उसका अनुभव कर। प्रवचन सार का जो विषय है वह भी है तो शुद्ध आत्मा ही, दूसरा कोई विषय नहीं है। माने वहां पर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है और समय सार में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का विषयभूत भगवान आत्मा है। फर्क इतना सा है कि प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान शैली है, वो द्रव्य की बात भी करेंगे, गुण की बात भी करेंगे और पर्याय की भी बात करेंगे। एक ये धारा चलेगी प्रवचन सार के अंदर। समय सार में क्या धारा चलेगी? नौ तत्व, और नौ तत्व में छिपा हुआ भगवान। आया पॉइंट समझ में आया आपको? समय सार का जिन्होंने आ जाओ संजय भैया इधर आ जाओ। समय सार में आप देखें तो जीव अधिकार, अजीव अधिकार, उसके बाद एक कर्ता कर्म अधिकार आ गया, जो जिसका कोई नौ तत्व में नाम नहीं है, छह द्रव्य में कोई नाम नहीं है, सात तत्व में कोई नाम नहीं है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं है तो नियम से उसकी कर्ता कर्म पने की विपरीत बुद्धि रहती है। एक उसको पीछे पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, आश्रव के बाद संबर अधिकार, संबर के बाद निर्जरा अधिकार, निर्जरा के बाद बंद अधिकार, बंद अधिकार के बाद मोक्ष अधिकार और फिर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। माने हम पूरे समय सार का यदि एक एट ए ग्लांस यदि देखें तो आचार्य कुंद कुंद देव वो नव तत्वों में एक भगवान आत्मा है और उसे देखना है, बस इतना देखना है।
कितनी बात है यहां पर, शैली समझ में है, प्रवचन सार की और नियम सार की। प्रवचन सार में द्रव्य गुण और पर्याय, ओके ख्याल में आ गया। द्रव्य चेतन द्रव्य, गुण चैतन्य उसका गुण, पर्याय जानना, बराबर। निर्मल पने से कहें तो चैतन्य का विवर्तन परिणमन जानना, ओके ख्याल समझ में आया। आत्मा द्रव्य, द्रव्य माने चेतन, उसका गुण चैतन्य, उसकी पर्याय जानना माने ज्ञान 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 ज्ञान। पर्याय कैसी है? ज्ञानमय। गुण कैसा है? ज्ञानमय। द्रव्य कैसा है? ज्ञानमयी। शक्कर कैसी है? मिठासमयी। स्वाद कैसा है? मिठासमयी। और मिठास कैसी है? शक्करमयी। उसका स्वाद कैसा है? शक्करमयी, मिठासमयी, शक्करमयी। ए ए, उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय में भी अभेद एक आत्मा को ही दिखाना उसका क्या है? प्रयोजन। पर समझ में आ गया, वह द्रव्य गुण पर्याय में दिखाया है और यहां नव तत्व में उसी ही आत्मा को दिखाया है। पॉइंट समझ में आ गया, तो साहब वहां पर्याय लिया है, यहां 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 तो पर्याय लिया नहीं। प्रवचन सार में क्या लिया? पर्याय लिया, द्रव्य गुण पर्याय लिया ना, तो प्रवचन सार में पर्याय लिया, तो यहां समय सार में क्या पर्याय लिया? आप तो कह रहे हैं नव तत्वों में जो एक रूप रहने वाला आत्मा उसको दिखाना है, तो पर्याय तो आई नहीं। अरे जो नव तत्व है वे ही पर्याय है। आया कुछ समझ में? आया आपको? जैसे आश्रव क्या है? पर्याय है। पुण्य पाप क्या है? पर्याय है। संवर क्या है? पर्याय है। अरे मोक्ष क्या है? पर्याय है। अतः कुछ समझ में आया आपको? गजब की कोई बातें हैं, वो बहुत समझने की हैं, लेकिन उसमें नौ तत्वों में एक आत्मा विद्यमान है, वो नव तत्व में पाया जाता है, बराबर समझ लो। अभी जो सात नंबर का कलश यहां चल चुका है, उस पर पूरा कलश चला था यहां पर आपके यहां, कि वो नव तत्व में आत्मा रह रहा है, आत्मा रह रहा है उसके अंदर नव तत्व में। कोई ऐसा तत्व नहीं, चलो पुण्य तत्व ले लेते हैं जिनेन्द्र भैया, तो पुण्य भाव लो, पुण्य तत्व माने भाव, ठीक है। पाप तत्व लो, पाप भाव, तो पुण्य भाव, पाप भाव, शुभ राग, अशुभ राग, द्वेष भाव, क्रोध मान माया लोभ आदि का भाव, हासरति रति शोक भय जुगुप्सा का भाव, वेद का भाव। तो भाई ये भाव किसका? भाव किसका? के आत्मा का। के पुण्य भाव किसका? के आत्मा का। पाप भाव किसका? के आत्मा का। संबर भाव किसका? के आत्मा का। आश्रव भाव, बंध भाव, मोक्ष भाव किसका? आत्मा का। क्या करें भाई साहब? बहन ने बताया कि भैया क्या करें, चार दिन से उनकी बहुत तबीयत खराब है, बराबर समझ में आ गया। क्या बोली बहन? चार दिन से उनकी उनकी माने उसके पति की बहुत तबीयत खराब है, बराबर है। तो मैंने उससे पूछा, ये बता कि जब उनकी तबीयत ठीक थी तब वो तेरे पति थे कि नहीं? जब पति की तबीयत ठीक थी माने शरीर की स्वस्थता थी तो पति थे के नहीं, और अब अस्वस्थ है तो पति है के नहीं? पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने एक दिन फोन करके पूछा बहन को
कि बहन ये बता कि जीजा जी आउट ऑफ स्टेशन है या ग्वालियर में ही है, कि अरे वो तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। पॉइंट समझ में आया? तो मैंने ये पूछा कि वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो वो तेरे पति हैं कि नहीं? अरे क्या पागलपने की बातें कर रहा है, मेरे ही तो गए हैं आउट ऑफ स्टेशन। और जब वो आउट ऑफ स्टेशन से घर आ गए तब माने वो घर से बाहर थे तब भी वही पति, और घर में हैं तब भी वही पति, स्वस्थ हैं तब भी वही पति, अस्वस्थ हैं तब भी वही पति, पद्मासन है तब भी वही पति, खड़गासन है तब भी वही पति। पॉइंट समझ में आया? माने इन सब अवस्थाओं में वह पति रह रहा है। पर इतनी बात, ऐसे ही नव तत्वों में ये भगवान आत्मा रह रहा है, उसकी स्वस्थ दशा है, वो स्वस्थ दशा है संवर निर्जरा और पूर्ण स्वस्थता है। ये क्या है? मेरे को बात कुछ समझ में आया आपको? पूर्ण स्वस्थ दशा मोक्ष है, बराबर है, स्वस्थता प्रारंभ हुई संवर है, स्वस्थता बढ़ रही है वह निर्जरा है। हम अभी शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता की बात करते थे, अब हम बात कर रहे हैं आत्मा की स्वस्थता और अस्वस्थता की, कि आत्मा को भी अस्वस्थता होती है, आत्मा को भी स्वस्थता होती है। कि भाई शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता से आत्मा की स्वस्थता अस्वस्थता तदन्न भिन्न है। ओके, समझ में आ गया? तो अब वो संवर निर्जरा मोक्ष में हो या वह आश्रम और बंद में हो, या वो शुभ आश्रम या अशुभ आश्रम में हो, लेकिन वह तो वही है और उसको जानना उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आ गया आपको? नव तत्वों को जानना के नहीं जानना, अभी मैं आपको ये भूमिका बता रहा हूं। मेरी थोड़ी आदत इस प्रकार की है कि पहले नकल करा दूं। क्या बोला? पहले क्या करा दो? पेपर आउट करा दो। मैं यदि इस सीबीएसई के बोर्ड का यदि चेयरमैन हूं तो मैं नियम से सबको पेपर आउट करा दूं। पॉइंट समझ में आ गया? कितने महीने पहले? 2 महीने पहले सबको पेपर आउट करा दूं, ठीक है? कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए पेपर आउट सबको। फिर सबसे क्या किया? ऑनलाइन भेज दिए ना, फिर सबको फिनिश। अब कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी कंप्यूटर पर नहीं मिलेगा, किसी के घर में नहीं मिलेगा। अब 15 दिन बाद उसका हुआ पेपर, अब परीक्षा दो। पॉइंट समझ में आ गया? तो पेपर आउट कराने के बाद परीक्षा दिलवाई। अब ये परीक्षा कैसी है कि तू ये नहीं कह सकता कि ये आउट ऑफ कोर्स आया था और बड़ा हार्ड पेपर आया, हमें तो टीचर जी ने पढ़ाया ही नहीं था। कि तेरे को तो पेपर आउट करा दिया ना, अब तो तेरे 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, बराबर ख्याल में आ गया? तो ये पेपर पहले आउट कराने की थोड़ी पद्धति है जी, ये पहले समझ लो इसका विषय क्या आने वाला है। ओके, समझ में आ गया? तो ये क्या कह रहे हैं कि वो नव तत्वों में वो जो एक रह रहा है पुण्य में पाप आदि में संवर निजरा मोक्ष में, कौन रह रहा है? द्रव्य। वो द्रव्य की दृष्टि करना, उस द्रव्य को उसमें से खोजना, उस द्रव्य की अनुभूति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है भैया। तो नव तत्व को जानना के नहीं जानना, कि नव तत्व को भी जानना, क्योंकि नव तत्वों में छिपी हुई है। तो जब हमको नव तत्वों की दृष्टि करनी नहीं है और दृष्टि करनी है हमें उन नव तत्वों में रहने वाला एक भगवान आत्मा, तो तुम नव तत्वों का ज्ञान क्यों करा रहे हो?
तर्क समझ में आया, अनुभव तुम्हारी तर्क समझ में आया है। नव तत्वों की दृष्टि करने का नाम सम्यक दर्शन है नहीं, और नव तत्वों में रहने वाला जो एक भूतार्थ तत्व है उसका नाम सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान है, और सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने मोक्ष मार्ग है, माने मोक्ष का उपाय है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको मोक्ष का उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसको ही ये आत्मा पूरा का पूरा मोक्ष रूपता से प्राप्त होगा। बड़े समझ में आ गया आपको, ख्याल में आया? तो फिर नव तत्व का ज्ञान क्यों करा रहे हो? कि इसलिए करा रहे हैं कि ये नव तत्व भूतार्थ नहीं है। बराबर ध्यान रखना, ये नव तत्व भूतार्थ नहीं है। बड़े समझ में आ गया आपको, ख्याल आया कि नहीं आया? आप जाओ किसी उसके यहां, जिसके यहां ये अंडरवियर बनियाने वगैरह मिलती है, हौजरी वाला, हौजरी वाला, हौजरी वाले की दुकान पर जाओ, आप क्या कहोगे कि मेरे को 95 नंबर की बनियान चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? मैंने कहा भैया तूने नंबर क्यों बताया? अरे तू सीधा कहता कि मेरे को बनियान चाहिए, कि भाई साहब मैंने ये कहा कि मेरे को 90 नंबर की नहीं चाहिए, मेरे को 100 नंबर की नहीं चाहिए, मेरे को 80 नंबर की नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए तो केवल 95 नंबर की चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो मैंने ये कह देने में ये कह दिया कि लइयो तो 95 नंबर की लइयो, और 90 नंबर की और 100 नंबर की, इसका मतलब 90 नंबर की बनियान होती तो है, 100 नंबर की बनियान होती तो है। तो मैंने कहा जो 90 नंबर और 100 नंबर की होती है, तुझे पता है ना कि हाँ बिल्कुल पता है कि होती है, तो तूने वो क्यों नहीं मांगी? कि 95 नंबर की होती है कि नहीं होती है? कि होती है। तो जब 90 नंबर की भी होती है और 95 नंबर की भी होती है और 100 नंबर की भी होती है, तो तू 95 की क्यों मांग रहा है, 90 की क्यों नहीं मांग रहा? समझ में आपको आ गया कि मेरे को वो ही भूतार्थ है। भूतार्थ का अर्थ समझ में आया? मेरे को वही प्रयोजन भूत है, मेरे को 90 नंबर की और 100 नंबर की प्रयोजन भूत यद्यपि होती तो है, लेकिन मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए नव तत्व का ज्ञान कराया उसका आश्रय नहीं लेने के लिए, और ज्ञायक भूतार्थ उसका ज्ञान कराया उसकी दृष्टि करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसे अपना ज्ञान का ध्येय बनाने के लिए। तो पर्याय भी है और द्रव्य भी है। पॉइंट समझ में आपको आ गया? तो जब द्रव्य भी है और पर्याय भी है, तो आप पर्याय की दृष्टि क्यों नहीं करा रहे, द्रव्य की दृष्टि क्यों करा रहे हो? कि भाई वस्तु से जाकर के पूछना पड़ेगा। वस्तु से जाकर के क्यों पूछना पड़ेगा? कि इसलिए पूछना पड़ेगा कि वस्तु के अंदर एक त्रकार स्वभाव पड़ा हुआ है। थोड़ा समझ लेते हैं बात को, समझ लो भाई। ये तो क्या मंथन शिविर चलता है ना यहाँ पर, वो मंथन समझ लो क्या है। क्या बोला अभी संजय भाई लास्ट, अभी क्या बोला है? भूल गया, स्मृति में से निकल गया। त्रकाली आत्मा, त्रकाली आत्मा, वो त्रकाली आत्मा की ही तो दृष्टि करो, पर्याय की नौ तत्व की दृष्टि क्यों ना करो? कि भाई तेरे को वस्तु से जाकर के पूछना पड़ेगा। कि वस्तु से जाकर के पूछना पड़ेगा क्या क्या अर्थ हुआ? कि उसके अंदर अनादि अनिधन माने अनादि अनंत त्रकाल एक रूप भाव सदा विद्यमान है, वो कभी बदलता नहीं। पॉइंट आपके समझ में आ गया भैया? इतना समझ में आया आपको? आया समझ में आया? जैसे मान करके चलो,
कि चीनी में वो मिठास वो विद्यमान है। आपने बनाया, किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ऐसे ही जो आत्मा है वो अनादि अनिधन है, और वह अनादि निधन उसका स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है, और उसके अनंत गुण वह भी उसके अनादि निधन वही के वही है, नहीं बदलेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? एक बात, नंबर एक बात, ये द्रव्य की बात हुई और अनंत गुणों की बात हुई, अनंत धर्म की बात हुई, अनंत शक्तियों की बात होगी। पॉइंट समझ में आ गया? अब आप ये जो कह रहे हो कि पर्याय की दृष्टि न करो, तुम द्रव्य की दृष्टि करो, तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि द्रव्य से जाकर के पूछते हैं? तो पूछा साहब द्रव्य से, तो द्रव्य ने ये कहा कि देखो भाई साहब, हमारे यहाँ तो अनादि से ही यह ही नियम है कि जो हम में अहम करें वो सम्यक दर्शन, और जो पर में हमारे पने का हेम करे वो मिथ्या दर्शन। पॉइंट समझ में आ गया? एक सरल उदाहरण दें, बराबर ख्याल में आया? देखो बहुत पद्धति समझ लो, द्रव्य की पद्धति, उसके अनंत गुणों की पद्धति और उसकी पर्याय की पद्धति, आप समझ लो इस बात को। मिथ्या दर्शन किसको कहना और सम्यक दर्शन किसको कहना, ये विषय कहां से चल रहा है कि तुम द्रव्य की दृष्टि करने की ही क्यों बात कह रहे हो? नव तत्वों में भूतार्थ तत्व की दृष्टि करने की बात क्यों कह रहे हो? तुम सम्यक दर्शन की बात क्यों कह रहे हो? ये क्यों कहते हो कि बिना उसके धर्म का प्रारंभ नहीं होता है? ये ऐसा क्यों कह रहे हो तुम कि भाई वस्तु स्वभाव से पूछते, उससे पूछते क्या कहती है? बराबर ख्याल में आ गया? तो मैं द्रव्य कब से हूं, बोलो भैया विमल जी, कब से हूं? अनादि से, बराबर है। कब तक रहूंगा? अनंत काल तक। और मेरे जो गुण हैं वो उसमें कब से हैं? अनादि से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे, वही के वही रहेंगे। क्या अदला बदली हो जाएगी? कुछ कोई ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी? ऐसा कुछ होगा क्या कि नहीं जी बिल्कुल नहीं होगा? तो फिर क्या होगा कि सुनो कि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में एक कॉमन फैक्टर है और एक डिफरेंट फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है कि आत्मपने रूपी स्वीकार करना, बराबर है? क्या बोला? आत्मपने स्वीकार करना, ख्याल में आ गई बात? फिर से बोलता हूं, आत्मपने रूप स्वीकार करना, ये उसमें एक कॉमन फैक्टर है अनुभव। अब आत्मा को आत्मपने स्वीकार करे ये तो हुआ सम्यक दर्शन, और शरीर जो आत्मा नहीं है उसे आत्मपने स्वीकार करे इसका नाम क्यों? उसका नाम मिथ्या दर्शन क्यों? शरीर को शरीर पने स्वीकार करे तो ठीक, लेकिन नहीं, उसका धर्म ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह श्रद्धा का परिणाम शरीर को आत्मपने स्वीकार करता है, पर को आत्मपने स्वीकार करता है, राग को आत्मपने स्वीकार करता है। पॉइंट समझ में आया? और पर्याय को आत्मपने स्वीकार करता है। आत्मा कैसा है, कब का है? अनादि अनिधन, अनादि अनंत है, और पर्याय एक समय। पॉइंट समझ में आया? कितना आया? शरीर को आत्मा मानना इसका नाम, कर्म को आत्मा मानना इसका नाम क्योंकि वह आत्मा नहीं, राग को अपना मानना उसका नाम मिथ्या दर्शन। समझ में आ गया आपको? और पर्याय मात्र को अपना आत्मा मानना उसका नाम भी क्यों? क्योंकि आत्मा कब का है?
अनादि का कब तक रहेगा, और कोई भी पर्याय हो वो कितने मुद्दत की है। इसलिए सम्यक दर्शन का विषय मेरा भगवान मैं ही हूं, मोक्ष की पर्याय भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। इसलिए यहां पर 13 नंबर की गाथा में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ये नव तत्वों में, ये नव तत्वों को भूतार्थ ने से जानना वो सम्यक दर्शन है। कोई समझ में आ गया उसको क्यों सम्यक दर्शन कह रहे हो, वो पकड़ में आया आपके पास, पर्याय को क्यों नहीं कह रहे वो भी सब हमने समझ लिया। अब 13 नंबर की गाथा मैं समाप्त करूंगा, कल से थोड़ा सा अपंगा रहे, बहनों को भी दूर जाना रहता है, बहुत स्वाभाविक है, आप लोगों को भी जाना होता है उनके साथ में, वो भी सबका हमको ध्यान रखने का है, इसलिए थोड़ा समय जल्दी हो गए। लेकिन जल्दी तो तब हो जब आप जल्दी आओ, मालूम पड़ा कि मैं बैठा हुआ हूं, प्रदीप भैया बैठे हुए हैं, अपने जो संजय भैया तो 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही आ जाते हैं, ये अनुभव बैठे हुए हैं, ये हमारे विशाल भैया बैठे हुए हैं, मालूम पड़ा कि ये 5 लोग ही बैठे हुए हैं, तो 5 लोगों के लिए तो भैया इतना बड़ा ये काम झाम लगाया है नहीं, और श्रोता नहीं है तो वक्ता का क्या मतलब, यह है कि उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए दर्शन में जिम्मेदारी श्रोता की ज्यादा है, वक्ता की भी है, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो थोड़ा इसमें दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा इशारा किया, लाभ लेना है तो थोड़ा समय का ध्यान मतलब ये है कि आप रखें। ये देखो क्या है, मेरी पद्धति थोड़ा ऐसा कहने की है, इसमें किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए लेकिन मेरा अभिप्राय तो ऐसा है, भैया अपन आए हैं, कोई आयोजन किया है तो उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए, बस ये दृष्टिकोण है, बाकी का कुछ नहीं है। 6 तारीख के बाद तो हमारी आपकी जय जिनेन्द्र, फिर मिलेंगे भाई साहब, चिट्ठी डालना, फिर आएंगे अपन, ऐसा ख्याल में आ गया। बात अब देखो गाथा पढ़ते हैं, आपके ख्याल में आएगा, देखो गाथा क्या पढ़ते हैं, देखो गाथा देखिए 13 नंबर की गाथा। हमारा ये रोहित भैया बहुत मेहनत कर रहा है। भूदत्थेण अभिगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम, कितने आ गए, जीव अजीव पुण्य पावम च च माने और, आसव संवर निज्जर बंधो मोखो, इतना सरल है, आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, और ऊपर कितने हो गए थे पहली पंक्ति में जिनेन्द्र भैया, 4, जीव अजीव पुण्य और पाप, ये नीचे की पंक्ति में आए 5, ऊपर की पंक्ति में आए 4, टोटल कितने हुए मनोज भैया, 9 हो गए क्या, ऊपर की पंक्ति में कितने आए थे और नीचे की पंक्ति में 5, नाम बताओ, ख्याल में आपको, माने हमें गाथा को भी तब तक पढ़ना चाहिए जब तक वो हमारे उसके शब्दावली तो समझ में आने, ख्याल में बात आ गई, 9 आ गए कि नहीं आ गए, बराबर हुआ। अब शब्द क्या रह गया, शब्द क्या, मोखो या सम्मतम, यह सम्यक तो है, सम्मतम शब्द है ना, सम्मतम माने सम्यक तो है, ये नव तत्व सम्यक तो है, देखना मेरे पढ़ने की पद्धति, ये सब मैंने ये कृपालु गुरु से ही सीखी है। माँ जैसे पकड़ बालक जैसे माँ की हूं ऐसे पकड़ करके उंगली चलता है, ये सीखा सब इसी से है, इसलिए इसका इतना उपकार आता है, सीखा है भाई, क्या करे हमने तो, ख्याल में बात आती है। देखो क्या कहा, अब क्या बचा, एक शब्द जो सबसे पहले है वो बचा, क्या, भूदत्थेन अभिगतता भूतार्थेन अभिगता भूतार्थ ने से भूतार्थ पने से जाना हुआ कौन
नव तत्व, नव तत्व को भूतार्थपने से जाना। क्या भूतार्थपने से जाना? नव तत्व को जाना, ये ना लेकर के यूं कहा कि भूतार्थ ने से जाना। ये भूतार्थ ने से जाना माने इसमें जो भूत है कायम है, कायम है इस नौ में जो कायम है, भूतार्थ ने से जाना कि जीव तत्व को भूतार्थ ने से जाना, अजीव तत्व को भूतार्थ ने से जाना, अपने रोगी पति को भूतार्थ ने से जाना, अपने स्वस्थ पति को भूतार्थ ने से जाना। तो भूतार्थ ने से जानने का क्या अर्थ हुआ कि पति को जाना, इसका नाम भूतार्थ ने से जाना। लेकिन वो पति स्वस्थ अस्वस्थ दशा का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन स्वस्थ अस्वस्थ दशा की हम बिंदी नहीं लगाते। हम जो बिंदी लगाते हैं वो तो पति की लगाते हैं। ऐसे ही भूतार्थ नैसे ज्ञायक, समझने आया, ये नव तत्व को भूतार्थ नैसे जाना, उसका नाम क्या है सबने इतना ये गाथा तो इतनी है, उसका केवल हम वो पढ़ लेते हैं। हरि गीत पढ़ते हैं भैया, बराबर है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा, आश्रव संबर बंद मुक्ति। भूतार्थ से है जानना, ये समझ, ये मूल बात आचार्य देव ने गाथा के अंदर ली। भूतार्थ से जान, इन नौ को कैसे जान, भूतार्थ से जान। भूतार्थ भूतार्थ छठी चीज छे 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 है। समझ में आया कि नहीं आया? है। जब गर्मी की छुट्टी हो जाती है जिनेंद्र भैया ना, तो क्या होता है, बच्चियां आ जाती हैं गर्मी की छुट्टियों में, और फिर बच्चियों के बच्चे भी आते हैं उनके साथ में। अब माओं की बड़ी जिम्मेदारी कि अब वो क्या करे माँ, अब वो माँ अपनी माँ से भी बात करेगी कि नहीं करेगी, कि अपने बच्चों को संभालती रहेगी, तो बच्चों को छोड़ देती है खेलने के लिए। क्या करती है माँ बच्चों को खेलने के लिए क्या करती है, छोड़ देती है। पॉइंट समझ में आ गया? अब बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी लोट कभी पलोट, कभी बैठना कभी लेटना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वो कर ही रहा है, आप देखना। बराबर ख्याल में आया? अब माँ क्या देख रही है, मैं पूछता हूं महेश जी, जे बताओ माँ क्या देख रही है, क्या उसके ये जानने में नहीं आ रहा कि ये बच्चा कभी बैठ रहा है, कभी लेट रहा है, कभी गा रहा है, कभी कुछ उठा लेता है, कभी कुछ रख देता है, कभी बैट पकड़ लेता है, कभी गेंद उछाल देता है। मैं पूछ रहा हूं मां निश्चिंत होकर के क्यों बैठी हुई है? वो किसे देख रही है, बोलो जिनेंद्र भैया। हे घबराओ मत है कि जब वो बैट खेल रहा है तो है, बॉल फेंक रहा है तो है, लेट रहा है तो है, गा रहा है तो है, माने इन सब अवस्थाओं में है। वो है देख करके मां निश्चिंत है, मां निश्चिंत है एकदम, कोई घबराने की बात नहीं है। है और है। मैं कहता हूं आपसे क्या कि जब वो माँ अपने बच्चे को इस सब अवस्थाओं में देख लेती है, 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 है
तो ऐसी नजर हम आत्मा की कोई अवस्था हो, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, चाहे शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, चाहे वो संवर निद्रा हो, पॉइंट समझ में आया, कोई सी भी अवस्था में हो, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, उसका नाम दर्शन में सम्यक दर्शन है। इस चीज की विशेष चर्चा करेंगे। ये भी कार्य किया है, बहुत बड़ा कार्य हो गया है महेश जी आप सब लोगों का, इससे क्या हुआ वो रहने भी हैं उनको भी दिखेगा, सुबह में भी दिखेगा, शाम को भी दिखेगा। ये देखो ये बहुत उत्तम चंद जी साहब बहुत गजब गजब के काम हो रहे हैं अब आपके यहाँ तो ग्वालियर के अंदर देखते बहुत गजब गजब के काम हो रहे हैं। ये भी सब योग प्रमाण की चीजें हैं। देखिए सबको लाभ मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, एक बार रस लग जावे तो आनंद आ जाएगा अध्यात्म का रस है। हाँ ये अध्यात्म का रस एक बार लग जाना चाहिए महेशन जी साहब तो महेशन जी साहब तो स्वयं एक विद्वान है पंडित है, क्या कहना गजब की बात है। तो इसका भी मतलब यह है कि लाभ मिलेगा हमको। यद्यपि आप देखो 40% जेरोक्स हो गई थी वो भी मतलब हो गई, और उसके बाद इसकी भी व्यवस्था हो गई। अब को कहे डबल डबल मतलब ये जो खर्चे हो गए, भैया मैं आपसे बस लास्ट बात कहता हूं इस समय की, ये बताओ महेशचंद जी साहब ये बात केवली ने कब जानी? केवली ने जानी थी कि नहीं जानी थी? कितने काल पहले जानी थी? अनंत काल पहले। तू अपने परिणाम निश्चिंत रख, क्यों कि केवली ने अनंत काल पहले ये वाली बात देखी है। 12 साल बाद द्वारका जलेगी, ये मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर होएगा, ये शेर की पर्याय में जाएगा, ये ऐसा होएगा ये ऐसा होएगा, ये उसने कितने काल पहले देखी भाई। हाँ ऐसा है, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या कर। अब कल हम जो चलाएंगे वो यहां से बात चलाएंगे कि जो टीका में आचार्य देव ने जो बात ली है वो गाथा में से कैसे निकाली, वो गाथा में से कैसे कहानी मतलब ये निकाली, क्योंकि यदि गाथा में यदि खजाना ना हो तो कौन निकाले। पंचन में आ गया, जैसे गन्ना होता है ना गन्ना, तो गन्ने में यदि रस नहीं हो, जैसे मौसम्मी में यदि रस नहीं हो, क्यों कमलेश जी निकाल सकते हैं? मैं तो नहीं निकाल सकता यदि नहीं हो तो, यदि गन्ने में रस नहीं हो तो मैं नहीं निकाल सकता। मैं आपसे ये वाली बात पूछता हूं कि जब गन्ने में रस है और निकाला तब क्यों मूछों पे ताप दे रहा है? वो तो उसमें था, वो निकला है, और जब नहीं था तो तू निकालता, तब तो हम बेटा समझते तू है। दोनों आया, अरे भैया इसमें कुंद कुंद आचार्य की गाथा में इसमें माल था, उस माल को किसने निकाला? अमृत चंद्र आचार्य देव ने निकाला, और अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका पर से किसने निकाला? जयचंद जी छावड़ा साहब ने निकाला। और कमाल की बात देखो, कमाल की बात देखो, गुरुदेव श्री जब भी प्रवचन करने आते थे, आप थोड़ा सा विचार तो करो कि समय सार मूल ग्रंथ की गाथा, टीका अमरचंद्र की, टीका जैसनाचार्य देव की, फिर जयचंद जी छावड़ा साहब का, और बनारसी दास जी का नाटक, समय सार इतना सारा का सारा उनके यहां रहता था, तब वो मतलब ये देख स्वाध्याय का इतना खजाना लेकर के स्वाध्याय बचपन में आए वो चीजें हम सब देखेंगे, क्योंकि ये गुरुवाणी मंथन शिविर है ना, कैसे निकाला कैसे निकाला कैसे निकाला, निकालते कैसे हैं निकालते कैसे हैं, पर सब में आपको आ गया कि नहीं आ गया वो वाली बात करेंगे विशेष।